हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 3D Max के अंदर हम लोग वॉक थ्रू एनिमेशन कैसे करते हैं। वॉक थ्रू एनिमेशन में जो इंटीरियर का जो वॉक थ्रू होता है हम लोग कैसे करते हैं, इस वीडियो में बताऊंगा। मगर सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि हम लोग एनिमेशन कैसे करते हैं, यानी कैमरे को एनिमेट कैसे करते हैं, वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। फिर धीरे धीरे और भी लेसन, इसके बहुत सारे लेसन होंगे क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा ही टिपिकल है ये, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को एनिमेशन सीखना होगा पहले कि आपको कैमरे को एनिमेट कैसे कराना है। तो सबसे पहले आपको एनिमेट कराना सीखना होगा। जब आप एनिमेट कराना सीख जाओगे तब उसके बाद मैं उसका लेसन चलूंगा कि कैसे उसको हम लोग वॉक थ्रू में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस लेसन में है एनिमेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एनिमेशन के लिए हम लोग के पास इधर पे होता है, हमारे पास ये है ऑटो की, ठीक है। ऑटो की का यूज होता है सबसे ज्यादा वर्क थ्रू में। हम लोग कैमरा को एनिमेट कराना पड़ता है, अगर किसी करेक्टर को एनिमेट कराना तो इसके लिए भी ऑटो की का यूज होता है। या फिर कोई एनिमेटेड करेक्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले तो हम लोग को ऑटो की को समझना होगा कि इसका यूज क्या होता है, ठीक है। ऑटो की के लिए सबसे पहले मैं एक एनिमेशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। तो पहले आप ये देख लीजिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो जैसे मैंने ये लिया स्पेयर, सिंपल सा और कुछ नहीं, वो आप भी बना सकते हो। ऐसे नहीं कि मैं अलग से ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, एक जो डिफॉल्ट होता है स्पेयर उसी को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसके लिए ऑटो की का, ठीक है, ऑन कर दिया, नहीं ऑन किया, ठीक है। इसको मैंने ऑन कर देता हूँ ऑटो की। ऑटो की ऑन करने से क्या होता है, हम उसको जैसे भी मूव करेंगे ऑटोमेटिकली इधर पे की बनने लग जाएंगी, यानी कि इधर पे जैसे डॉटेड बन जाएंगे। अभी मैं इधर पे फिलहाल थोड़ा सा, कौन से टाइम पे ये कितना मूव होगा ये मैं इसको सेट कर लेता हूँ। मेरा ये जैसे 15 फ्रेम पे आएगा, ये है फ्रेम्स जो दिख रहे हैं 0 से लेके 100 तक, ये है फ्रेम, ठीक है। तो उसको भी सेट करने का ऑप्शन होता है इधर पे, ये रहा टाइम कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। इधर पे टाइम कॉन्फ़िगरेशन में इधर पे हम लोग को सेट कर सकते हैं। अगर मेरे पास 100 फ्रेम ही है, मेरे को फ्रेम को बढ़ाना है, मेरे को 300 फ्रेम चाहिए तो मैं 300 फ्रेम करा सकता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर डिफॉल्ट सेट करके रखा फ्रेम रेट, यानी कि फ्रेम रेट क्या होता है, जैसे NTSC है जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, पाल जो यहाँ पर यूज़ होता है, फिल्म में यूज़ होता है जो 30 FPS, ठीक है। तो इधर पे FPS हम लोग चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। FPS क्या होता है, फ्रेम पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना फ्रेम लेगा वो। अगर हम लोग सिर्फ 30 तक ही रेंडर करेंगे, 30 फ्रेम तक का ही रेंडर करेंगे तो सिर्फ एक सेकेंड का ही वीडियो बनेगा, ठीक है। अगर 30 फ्रेम का अगर हम लोग लेंगे तो फिर एक सेकेंड का ही वीडियो बनेगा। अगर हम लोग लेंगे 100 फ्रेम तक, ये इधर पे सेट करना है, ये FPS है, यानी एक सेकेंड में हम लोग को 30 फ्रेम मिलेंगे। 30 फ्रेम यानी कि उसमें काफ़ी स्मूथनेस आ जाएंगी। अगर मैं एक सेकेंड में सिर्फ 10 फ्रेम ही रखूँगा तो काफ़ी स्मूथ नहीं रहेगा वीडियो। उसका भी मैं एग्जांपल दिखा दूंगा मैं, ओके, क्या होता है स्मूथनेस में और उसमें। तो सबसे पहले तो हम लोग 30 फ्रेम पे ही रखते हैं, डिफॉल्ट जो है जैसे है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मैंने इसको 300 कर दिया, जो भी नहीं कि आप 300 करो, मैं ऐसे बस कर दिया आपको दिखाने के लिए, ओके। तो मैं इसको 30 पे लेके जाता हूँ, जो भी नहीं कि मैं 30 पे करूँ, मैं 10 पे कर देता हूँ, ठीक है। अभी 10 पे मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ, 10वें फ्रेम में यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका ऑटो की बंद कर दिया, ये देखिए ये वैसा एनिमेट हो गया है, 10वें फ्रेम में यहाँ से लेके यहाँ तक फट से चले जाएगा देखिए, क्योंकि एक सेकंड में हम लोग ने एक सेकंड का है 30 फ्रेम, तो यानी कि एक सेकंड से भी कम टाइम पे ही ये वहाँ से वहाँ तक चले जाएगा। एक सेकंड बीतेगा नहीं उससे पहले वो वहाँ से वहाँ तक चले जाएगा, यानी कि इतने फटाक से हो जाएगा ये, पता नहीं चलेगा, एक सेकेंड के अंदर ही यानी आधे भाग में ही हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये है, समझ गया। इससे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अगर जो ही नहीं कि मैं इस तरफ मूव किया तो दूसरी तरफ मूव नहीं कर सकता। ऑटो की ऑन करके रखो, इसको दूसरी तरफ मूव कर लो, देखिए आपका दूसरी तरफ भी मूव होगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से मूव करा सकते हो। ये फटाफट काम हो रहा है क्योंकि अपना जो एक सेकेंड में ये सब काम हो रहा है, देखिए यहाँ पर एक सेकेंड में यहाँ से लेकर वहाँ तक वो एक सेकेंड में मूव हो रहा है, ओके। आप चाहिए तो अपने टाइम में भी सेट देख सकते हो कि एक सेकंड में ये काम हो रहा है, एक ही सेकंड में,
ये सब एक सेकंड में हो रहा है। मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ ताकि अगर आपको चाहिए तो मैं इसको छोटा और कर सकता हूँ। अगर सिर्फ मेरे को 30 फ्रेम यहाँ पर चाहिए तो आपको पता चल जाएगा ये एक सेकंड में ही होना है। फटाफट ठीक है, लेकिन यही चीज़ बार बार होती रहेगी एक एक सेकंड में। एक एक सेकंड, दो सेकंड, तीन सेकंड, ओके। यानी हम लोग अपने फ्रेम को थोड़ा छोटा कर भी सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके ये हो गया, इससे हम लोग अपने फ्रेम की लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर से मैंने इसको 100 पे सेट कर दिया। ओके अभी जो है नहीं कि मैंने यहाँ पर सेट किया था, मैं इसको मूव नहीं कर सकता। मैं इसको चाहे तो मैं इसको मूव नहीं कर सकता हूँ। मेरे को चाहिए कि मेरे को थोड़ा स्लो करना है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट है जो ये हो रहा है, इसको मुझे स्लो करना है, तो मैं इसको स्लो कर सकता हूँ। देखिए मैंने इसको काफ़ी स्लो कर दिया, यानी कि मैंने बहुत ही स्लो कर दिया। तो इसको मैं करता हूँ, अगर एक सेकेंड में 30 फ्रेम है तो मैं इसको, अगर मैं इसको करूँगा 40 से 100 तक, तो ये कितना होगा, 2 सेकंड तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेकंड हो जाएंगे। ये आपको मूवमेंट का पता चलेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट ये 2 सेकंड में हो रहा है। आपको चाहिए तो आप घड़ी भी देख सकते हो, तो घड़ी तो यहाँ पर तो मेरे पास सेकंड के हिसाब से नहीं है। अगर आपको अच्छे से दिखाना है तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ऐसा नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट 2 सेकंड में हो रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट यहाँ पर देख सकते हो, सेकंड। ओके ठीक है, ये हुआ, आपको समझ में आ गया कि FPS क्या होता है। FPS यानी फ्रेम पर सेकंड। अगर मैं इसका FPS कम कर दूं, यानी कि अगर मैं कर देता हूँ कि भाई 10 फ्रेम पर सेकंड होना चाहिए, यानी कि इसके फिर सेकंड बढ़ जाएंगे मेरे, क्या 100 में बहुत सारे सेकंड आ जाएंगे, तो उससे एक प्रॉब्लम ये आएगी। वो तो ठीक है, प्रॉब्लम भी आएंगे उसमें। अगर एक सेकंड में आप 10 फ्रेम दे रहे हो तो आपका जो है वीडियो बहुत ही ज़्यादा ही जर्की आएगा। ठीक है, तो वो कैसे दिखेगा आप देख सकते हो, दिखाता हूँ मैं कि क्या प्रॉब्लम आती है उसमें। फिर से दोबारा 100 पे लेके आता हूँ। ठीक है, अरे मेरा एक सेकंड में 10 फ्रेम। ठीक है, देखिए काफ़ी देखो स्मूथ नहीं जा रहे, तो थोड़ा देखो ऐसे काँपते काँपते जा रहे धीरे धीरे। देखो ये थोड़ा ऐसे कांपते कांपते हुए जा रहा है, नहीं लग रहा है? थोड़ा और क्लोजअप में करके देखते हैं, काफी हिलते हिलते जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो थोड़ा मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, थोड़ा आपको और भी समझने के लिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने जो वर्क थ्रू में हैं तो उसके अंदर भी ध्यान रखें कि आपका जो कैमरा है वो जर्की ना हो। ठीक है, आपको अगर ये देखिए, अभी देखो मैंने इसका जो टाइमिंग है मैं बढ़ा दिया, तो इसका जर्किनेस थोड़ा कम हो गया। मगर अभी यहाँ से लेके यहाँ तक जो काम हो रहा है, मैंने 10 फ्रेम पर सेकेंड रखा हूँ। ठीक है, तो फिर अभी यहाँ पर आप टाइमिंग देखोगे, तो मैं पर आप टाइमिंग देखोगे तो आपको इधर पे दिखेगा, इधर पे जो भी हो रहा है पूरा 10 सेकंड में ये सब पूरा 10 सेकंड में 10 सेकंड का ये पूरा अपना ये हो गया 100 फ्रेम। ठीक है, जो हम लोग का अभी हो रहा था 100 फ्रेम हो रहा था सिर्फ लगभग 3 सेकंड का, बस अभी 10 सेकंड का हो गया। मगर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको फ्रेम बहुत कम मिल रहा है, बहुत स्लो हो गया है एनिमेशन, फ्रेम भी कम मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि जितना एक सेकंड के लिए कम से कम तो 25 तो होना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा कम करोगे बाद में आपके वर्क थ्रू में आपके कैमरे में बहुत ज्यादा ही वो जर्किनेस जैसा प्रॉब्लम आएगा, हर एक सेकंड में बहुत ही जर्किनेस आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इधर पे,
इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट है ये आपको पता चलेगा, काफी रुकते रुकते जाएगा वो। काफी ऐसे हिलते जा रहा ना खड़े खड़े, जो स्मूथनेस चाहिए वो स्मूथनेस इसमें नहीं आ पाती है। ठीक है, ये है, आप जान गए हो इसका क्या है। ठीक है, ये प्रॉब्लम, ये चलो ये तो समझ में आ गया आपको।